गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मध्य प्रदेश के एक ऐसे गुरु, एक ऐसे शिक्षक के हम ऐसा जो है खबर लेके आए हैं, जेका सुन के खुद अपना चौक जाब। वह गुरु, वह शिक्षक खुद रिक्शा और चलाए के और दूध बेच के शिक्षक बने। फिर आपन जब रिटायरमेंट ही भय उस शिक्षक के, तो जो जमा पूंजी रही 40 लाख रुपया बच्चन खातिर पढ़ाई खातिर दान कर दी, तो विंध्य क्षेत्र के यह पहली बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सबई जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद अच्छी खबर के, जहां पर प्रपंचक बता दी कि मध्य प्रदेश के पन्ना के सहायक शिक्षक के द्वारा समाज और देश के सामने मिसाल कायम कर दी गए। उनके द्वारा अपने रिटायरमेंट के दिन पीएफ से मिले वाले पूरे 40 लाख रुपया गरीब बच्चन खेती दान कर दी। सहायक शिक्षक के नाम विजय कुमार चंसोरिया है। उनके द्वारा रिक्शा चलाए के दूध बेच के अपन पढ़ाई पूरी की गए और शिक्षक बने रहे। गौरतलब है कि विजय कुमार चंसोरिया जिला के संकुल केंद्र रक्सेहा के प्राथमिक शाला खंडिया के सहायक शिक्षक रहे। रिटायरमेंट के मौका पर सहायक शिक्षक चंसोरिया के द्वारा कहा गया कि यह रुपया बच्चन के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा में सहयोग करे, बच्चन के भविष्य सवरी या 40 लाख रुपया संकुल केंद्र के अधिकारी बच्चन के विकास खातिर जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षक चंसोरिया के मानव है कि इच्छा मरद दम तक पूर्ण नहीं हुए। उनके द्वारा कहा गया कि उनका बेटी और दामाद भगवान की कृपा से नौकरी कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि पूरे परिवार के सलाह के बाद यह फैसला लिया गया है। पूरे परिवार के द्वारा या गरीब बच्चन के सुनहरे भविष्य खातिर 40 लाख रुपया दे के हामी भरी गई है। चंसोरिया के द्वारा कहा गया कि यह तरह के काम समाज के सक्षम व्यक्ति का करत रह चाहिए। गौरतलब है कि विजय कुमार चंसोरिया जिला के संकुल केंद्र रक्सेहा के प्राथमिक शाला खंडिया के सहायक शिक्षक पद पर पदस्थ रहे। उनके द्वारा बताया गया कि वो एक गरीब परिवार में जन्मे, पहले जिया खेती दूध बेचिन, फिर रिक्शा चलाइन, यह तरह पढ़ाई पूरी करके 1983 में पन्ना के रक्सेहा में सहायक शिक्षक बने। उनके द्वारा यहाँ 39 साल तक बच्चन का शिक्षा दीन गए, गरीब बच्चन के बीच रहे, हमेशा बच्चन का उपहार देते रहे। उनके मुताबिक बच्चन का उपहार देते वक्त उनके अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो रही। उनका कहा है कि बच्चन की खुशी में उनका ईश्वर दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा समाज में लोग हैं जो वास्तव में पूज्य नहीं है, वंदनीय है। ऐसा लोगन के हौसला का MP संदेश न्यूज 24 सलाम करत है। और वैसा मिसाल जो पेश करी नहीं, जो एक गुरु और एक शिक्षक जो कहा जाए कि आज कलयुग में वह कौनो प्रभाव से नहीं बचा है, किंतु भगवान के द्वारा कही गई बात कि भगवान से बड़ा पद एक गुरु के होते है, यह कहो न कहो या गुरु जी और शिक्षक साबित कह दी। सबसे बड़ी बात कि आज लोग लूटे चाहते थे, खाए चाहते थे और आखिरी दम तक लोग खून के एक बूंद चूसे चाहते थे, किंतु हम ता यमे शिक्षक यमे गुरु कबो नहीं दिखन। जो सोची अपन जिंदगी भरे के जमा पूंजी 40 लाख रुपया बच्चन के बेहतर स्वास्थ्य बेहतर शिक्षा खातिर दान कर दिखन, तो उनके चरणन में हमा कनिष्क तिवारी के नमन है। और निश्चित तौर पर उनकर या जो समर्पण है या भाव है उनका जो है उनके परिवार का हमेशा मतलब सुरक्षित रखी, उनका समृद्ध रखी और निश्चित तौर पर लोग जो सक्षम है उनका यह में आगे आवे चाहिए। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।